सहोदर सहोदरी रहे। कांग्रेस के झूठे आश्वासनों का सबसे बड़ा हित हमारे शेड्यूल ट्राइब, हमारे आदिवासी समाज का भी हुआ है। कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उपयोग किया और आदिवासी क्षेत्रों को सुविधाओं से वंचित रखा। देश के अनेक आदिवासी गांवों में सड़क, बिजली, पानी, सुविधा 9 वर्ष में पिछले मेरे आने के बाद पहुंची है। ये अटल जी की सरकार थी जिसने पहली बार इस देश में आदिवासियों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई थी। कांग्रेस सरकार के तुलना में इस वर्ष आदिवासी विकास के लिए बजट करीब करीब 5 गुना हो चुका है, 5 गुना। बंधु भगिनी रहे, कांग्रेस ने अपनी सरकारों के दौरान आदिवासी नेतृत्व को भी आगे नहीं आने दिया। जब देश ने पहली आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनने की भावना सामने रखी तो कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। और कांग्रेस का ही विरोध इसलिए नहीं था कि वो बीजेपी की उम्मीदवार थी इसलिए विरोध करे, वो तो मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस ने ये इसलिए विरोध नहीं किया कि आदिवासी महिला वो बीजेपी की कैंडिडेट थी। उनको अगर बीजेपी का विरोध होता तो फिर बीजेपी के ही एक नेता को उन्होंने राष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों बनाया भाई? ये साफ साफ बताता है कि कांग्रेस का ये विरोध गरीब घर से आई हुई एक हमारी आदिवासी बहन के खिलाफ था। इसलिए आज पूरे देश में आदिवासी समाज कांग्रेस को सबक सिखाने का संकल्प करके बैठा है। कांग्रेस के खिलाफ ये गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। स्नेहितरे, यहां के यक्षगाना में इस क्षेत्र की ऊर्जा, यहां की सांस्कृतिक समृद्धि साफ साफ झलकती है। मुझे संतोष है कि यहां की पहचान को, यहां जनजातीय लोक संस्कृति को संरक्षित करने वालों को प्रोत्साहित करने का अवसर हमें मिला है। हालक की स्वर कोकिला सुक्री बोम्बा गौड़ा जी हो या फिर पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा जी, इनको बीजेपी सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके अपना मान बढ़ाया है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसे सच्चे हकदारों को बहुत कम ही सम्मान होता था। आज जब कर्नाटका की धरती की ऐसी महान संतानें राष्ट्रपति भवन पहुंचती है, पूरा देश गर्व से भर जाता है। बीजेपी सरकार ने सिरसी सुपारी को भी जीआई टैग दिलाया है। ये वोकल फॉर लोकल के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।